गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि देख सकते हैं जो गाड़ी है होंडा की जैज है, होंडा कार, ठीक है, होंडा की। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें जो स्टेयरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, जो लाइट है स्टेयरिंग की। गाड़ी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी स्टेयरिंग की लाइट दिखाती है। तो इसका आप अगर ज़्यादातर जो इशू आता है, टॉक सेंसर का भी वायर निकाल दिया, टॉक सेंसर का कुछ काम हम किया, रिप्लेस किए, तो इसके अंदर से इसको फॉल्ट क्लियर करेंगे तो चले जाता है। उसमें टॉक सेंसर लिख के आएगा या मोटर का लिख के आता है। तो जब भी आप टॉक सेंसर डालो या इसका करो, या बहुत बार ऐसा होता है सॉकेट निकालने के बाद भी कभी कभी स्कैनिंग से इसको फॉल्ट क्लियर करना पड़ता है, तब जाके गाड़ी सही होती है, ठीक है। तो इसको पहले स्कैनिंग करते देखते गाड़ी टीसी दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग ने अभी इसका जो है ना टॉक सेंसर कंप्लीट जो इसका रैक चेंज कर दिया है। टॉक सेंसर इसका मिलता नहीं, पूरा चेंज करना पड़ता है ज़्यादातर, और मतलब थोड़ा मुश्किल से मिलता है टॉक सेंसर। तो ये कनेक्टर है यहाँ पे लगता है, जैसा कि देख सकते हैं ये कनेक्टर आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं डायग्नोस पे क्लिक करना है, उसके बाद एशियन में जाना है, होंडा चूज करना है, ओके पे क्लिक करना है। 16 पिन कनेक्टर, ठीक है। गाड़ी की डिटेल दे दिया, जैज है जो गाड़ी, होंडा की, नाम वगैरह सब आ गया यहाँ पे, विन नंबर वगैरह सब आ जाता है इसके अंदर। तो अपने को सिस्टम सिलेक्शन पे जाना है, यहाँ पे ईपीएस लिख के आएगा, देख सकते हो ईपीएस इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, ये इसका जो ईपीएस का ईसीयू आईडी है, मतलब यूनिट है, उसका नंबर है, ओके पे क्लिक करना है। रीड फॉल्ट कोड, देख सकते हो मोटर करंट डिटेक्टेड माल फंक्शन लिख के आ रहा है, इसमें करंट डीडीसी है। इसको आप फॉल्ट क्लियर करोगे, कभी कभी यहाँ पे जो है ना टॉक सेंसर लिख के आता है, टॉक सेंसर का लिख के आता है, तो भी फॉल्ट क्लियर हो जाता है। हुंडई की गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है, जब भी हम लोग फॉल्ट क्लियर करते हैं, होंडा सिटी ये सब जो गाड़ियाँ हैं, स्टेयरिंग का जब प्रॉब्लम आता है फॉल्ट क्लियर करने से बहुत सी गाड़ियाँ सही हो जाती है, अगर टॉक सेंसर पूरा डेड नहीं रहेगा तो। तो आपको इसका टॉक सेंसर दिखाता हूँ मैं, जो हम लोगों ने चेंज किया है। इसका जो रैक है पूरा ख़राब हो गया था, आवाज़ भी कर रहा था इसका, जो बबलिंग वगैरह है वो सब, ठीक है। ये इसका मोटर है, जैसा कि देख सकते हो ये इसका टॉक सेंसर है, ठीक है, इसको टॉक सेंसर बोलते हैं। लेकिन इसको जब हम लोग कभी खोल देते हैं, जो 3 वोल्ट है 10 नंबर के टॉक सेंसर, इसमें दो टाइप की सॉकेट आती है, एक ये गोल वाली आती है, कैसा चपटी सॉकेट आती है होंडा सिटी में, ये जे है इसलिए इसमें गोल दिया हुआ है, तो इसमें सेम ऐसी चपटी सॉकेट आती है। तो अगर हम लोग इसको खोल देते ना, तो इसके अंदर कैलिब्रेशन, मतलब इसका जो सेटिंग रहता है ना, तो इसके अंदर की जो सेटिंग है वो हिल वगैरह जाती, मतलब जो कैलिब्रेशन की सेटिंग जब ख़राब हो जाती है ना, तो जल्दी वायर मिलता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये सेंसर जल्दी इसका मिलता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैसा यूज़ वगैरह में लोग डाल देते कंप्लीट, ये जो रैक है होंडा सिटी का ज़्यादा, क्योंकि वो सस्ते में मिल जाता है, बट बाकी गाड़ियों का आप डाल सकते हैं, स्विफ्ट वगैरह का भी पूरा कंप्लीट डालेंगे तो अच्छा रहता है। तो जैसा कि ये पूरा फिट कर दिया अभी हम लोग ने, मैं आपको फॉल्ट क्लियर करके चेक करके दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस केस के अंदर जो है क्या बोलते हैं, ज़्यादातर जो है उसका ही प्रॉब्लम रहता है, इसके अंदर मोटर वगैरह का भी इशू आता है। ऐसा नहीं, जैसे कि देख सकते हो अभी जो मोटर करंट एडिट लिख के आ रहा है, ठीक है, माल फंक्शन, अगर आपका मोटर ख़राब रहेगा ना तो भी आएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन बहुत ज़्यादा जो गाड़ियों का मतलब फॉल्ट क्लियर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अभी वो फिटिंग कर रहा है भाई, तो जब तक कुछ बाकी है उतार दिया गाड़ी, ठीक है। तो ये आपको फॉल्ट क्लियर करके दिखाता हूँ मैं भी। गाड़ी स्टार्ट है तो बंद करने बोल रहा है, मतलब इग्निशन स्विच ऑन रखना है, गाड़ी स्टार्ट है इसलिए फॉल्ट जो है ना क्लियर नहीं हुआ। जैसा कि इससे पहले भी मैंने बहुत वीडियो बताया, कुछ गाड़ियाँ ऐसी है कि गाड़ी जब स्टार्ट रहे तो फॉल्ट क्लियर नहीं होता, अपने को सिर्फ इग्निशन ऑन रखना है, ठीक है। अगर गाड़ी स्टार्ट रहती तो फॉल्ट क्लियर नहीं होता। वापस से क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है। अभी देखो लिख के दे रहा, अभी फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अभी रीड फॉल्ट करके दिखाता हूँ आपको।
नो ट्रबल, गुड। और जो ये लाइट है स्टेयरिंग की, ये भी यहाँ से चली जाएगी। जीपीएस की जो लाइट है, ठीक है, देख सकते हो लाइट जो चली गई है अभी। और इसका स्टेयरिंग भी अभी फ्री हो गया रहेगा, देख सकते हो एकदम फ्री हो गया स्टेयरिंग, ठीक है। तो होंडा सिटी वगैरह की कुछ गाड़ियाँ ऐसी है, अगर उसमें लाइट वगैरह आता तो एक बार आपको स्कैनिंग करके देख लेना चाहिए क्या डीटीसी ट्रबल कोड आ रहा है पहले, और फॉल्ट क्लियर करने की वजह से गाड़ी सही भी हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया कुछ गाड़ियाँ ऐसी है। उसके बाद इसमें रीड डाटा स्ट्रीम भी देख सकते हो आप, इसका जो रीड डाटा स्ट्रीम है यहाँ से बैक करके ये टॉक सेंसर वगैरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रीड डाटा स्ट्रीम पे क्लिक करना है अपने को, मैनुअल भी कर सकते हो, ऑटो सेलेक्ट पे कर सकते हो, उसके बाद ओके पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो इसमें मतलब इसका जो मोटर वगैरह है, इसका जो ईपीएस मॉड्यूल है, इसमें करंट जा रहा है कि नहीं, वोल्टेज वगैरह सब दिखाता है यहाँ भी, ठीक है। जैसा कि बैटरी का वोल्टेज, ये सब आपको यहाँ पे टॉक सेंसर का भी मिल जाएगा, देख सकते हो मोटर के अंदर टॉक सेंसर 2.4 दिखा रहा है, बढ़ेगा देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा चेक कर सकते हो आप, थोड़ा सा इस गाड़ी को ट्राई ले लेते हैं। जैसा कि देख सकते हो अभी लाइट वगैरह नहीं आ रही है, तो काम हो गया है तो इसको ट्राई ले लेते हैं पहले। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ फॉल्ट रहता है मेमोरी में, हम लोग क्लियर करते हैं तो लाइट चली जाती है, बट थोड़ा टाइम के बाद वापस आ जाती है। तो बेहतर ये रहता है कि आप एक बार फॉल्ट क्लियर करो, उसके बाद ट्रायल मारो, हो जाता है मतलब, अगर नहीं आया तो ओके। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं होंडा सिटी के, और मतलब उसका यही प्रॉब्लम रहता है कि टॉक सेंसर खराब रहता है, तो डालने के बाद क्लियर कर दो, या कभी हम लोग ने कुछ एक्सल वगैरह डालने के लिए, कुछ खोलने के लिए, इसका काम करने के लिए सस्पेंशन खोलते ना तो भी लाइट आ जाती है, फिर फॉल्ट एक बार क्लियर करेंगे तो गाड़ी ओके हो जाती है, सही चलती है। ये गाड़ी ओके चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।